अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान एंड स्किन सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होंगे और अपने बालों का ख्याल रख रहे होंगे। चलिए जी, आज का जो है वो लाइव स्टार्ट करते हैं और उसके साथ साथ आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है डैंड्रफ, यानी कि खुश्की, सिकरी, जो कि हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है, बहुत कॉमन इशू है, और उसके साथ साथ जो है वो बालों का गिरना। तो आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है बालों से रिलेटेड, बालों की खुश्की, सिकरी, बाल क्यों गिर रहे हैं, बाल क्यों झड़ रहे हैं, बाल क्यों टूट रहे हैं, बाल सिल्की स्मूथ क्यों नहीं है, बाल हेल्दी क्यों नहीं है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। सारे जो हैं वो जल्दी जल्दी ज्वाइन करते जाएं और मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने साथ रख लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा शो भी कर सकूँ। जी, बालों का मसला जो है ना वो इतना ज़्यादा कॉमन है और इतने लोगों को होता है, मतलब मुझे लगता है कि हर दूसरे बंदे को जो है वो कोई ना कोई हेयर का इशू जो है वो कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर रहा होता है। चलिए जी, देखते हैं हमें किस किस ने ज्वाइन किया है। मोमी अरहम ने ज्वाइन किया है, कह रही हैं सलाम डॉक्टर, मेरे फेस पे बहुत छाइयाँ हैं। अच्छा मोमी अरहम, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपको छाइयाँ हैं तो कुछ मैं आपको ब्लड टेस्ट बता रही हूँ, वो आप ज़रूर करवा लें। खून के छोटे से टेस्ट होते हैं जो आपने कराने होते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि आपकी बॉडी जो है उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी होगी तो फिर छाइयों को ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सन ब्लॉक आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो आपने कौन से टेस्ट कराने हैं? आपने हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना है, आपने वाइटामिन B12 के लेवल्स कराने हैं, वाइटामिन D3 के लेवल्स कराने हैं और फ्री थायरॉइड्स, यानी कि फ्री TSH, T3 एंड T4 ये आपने करवाने हैं। और फिर आप हमें, मुझे भी दिखा सकती हैं, अगर आप किसी और स्किन के डॉक्टर को दिखाना चाहती हैं तो उनको दिखा लें, लेकिन तब तक आपने, जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखा रही हैं, सन ब्लॉक ज़रूर ज़रूर अप्लाई करना है। और जब आप सुबह लगाया करेंगी तो उसके 5 घंटे के बाद दोबारा लगाना करना है, तो आपने रीअप्लाई भी करना है मगरब तक, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखें हमें शेखनी 211 ने ज्वाइन किया, वो कह रही अंडर स्किन बम्प्स के लिए क्या यूज़ करें फेस पे। बम्प्स जो है ना वो यूजुअली बनते तो इसीलिए हैं कि हमारे जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो रहे होते हैं। पोर्स जो है उनका क्लॉग होना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, स्पेशली ऐसे लोगों में जिनकी स्किन जो है वो ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा ऑयली होती है, और इस सीज़न में तो हर किसी की स्किन से थोड़ा थोड़ा सीबम ज़्यादा सिक्रीट होता ही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्लिनजिंग करें, आपने फेस वॉश से पहले क्लिनजिंग करनी है। फेस वॉश अगर आप दिन में 3 दफ़ा करती हैं तो क्लिनजिंग 2 दफ़ा भी कर लेंगी तो वो काफ़ी है। और क्लिनजिंग 10 सेकेंड्स के लिए करते हैं, तो आपने 10 सेकेंड्स के लिए क्लिनजिंग करके फिर अपना फेस वॉश करना है। क्लिनजिंग डिफरेंट हैं, वो आप खुद से भी देख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे गिवन नंबर्स पर कॉल करके हमसे भी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ज़ेबा मलिक 5 ने ज्वाइन किया है, मोहम्मद अली शाह कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, डैंड्रफ बहुत टाइम से है, एंड नहीं हो रही और एक्नी हो जाती है बालों में। अच्छा, इनका तो सबसे ही ज़्यादा वैलिड क्वेश्चन है मोहम्मद अली शाह का, और इन्हीं के क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ जो है वो हमारा बहुत सारा जो आज का टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डैंड्रफ जो है वो किन लोगों के सर में ज़्यादा होती है या क्यों होती है। डैंड्रफ जो है वो ऐसे ही स्कैल्प पे होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जिस स्कैल्प में ऑयल या सीबम ज़्यादा बनता है। अब जब ऑयल या सीबम ज़्यादा बनता है तो जिस तरह फेस के पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, उसी तरह से हमारी जो स्कैल्प की स्किन है, सर की जो स्किन है, उसके पोर्स भी क्लॉग होते हैं। तो हमने जो ध्यान रखना होता है वो यही रखना होता है कि अगर आपके अपने स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है तो आपने उसको साफ़ रखना है। कैसे साफ़ रखना है? एक तो ये होगा कि आपने ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना, ताकि आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग ना हो और आपकी स्किन जो है वो ब्रीद कर सके, उसके ऊपर दाने ना बने। जैसे आप कह रहे हैं कि सर की स्किन के ऊपर दाने जो हैं वो दाने भी बन जाते हैं, ख़ारिश भी होती है लोगों को, दाने भी बन जाते हैं। तो आपने ये करना है कि सबसे पहले तो हम डूज एंड डोंट्स देख लेते हैं। आपने शैम्पू या तो डेली करना है अगर डेली रिक्वायर्ड है, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद आपने ज़रूर करना है। उसके साथ ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने ऑयल नहीं लगाना। तीसरी बात यह है कि आपने एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करना है,
जरूरी चीज मैं बता दूं कि शैम्पू जो होता है वो बेसिकली आपने सर की जिल्द पे करना होता है, और जो कंडीशनर होता है वो आपने लेंथ पे करना होता है। लेंथ पे शैम्पू नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो रोज शैम्पू करके तो मेरे तो बाल जो है वो ड्राई हो जाते हैं। भाई बालों के ऊपर शैम्पू करना ही नहीं होता तो वो क्यों ड्राई होंगे। और आप जैसे अपने फेस को और हैंड्स को मॉइस्चराइज करते हैं धोने के बाद, उसी तरह से आपने अपने बालों को भी मॉइस्चराइज करना होता है जो कि कंडीशनर के साथ करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो हमारे पास आया जैसे पेशेंट को हमने उसके डूज एंड डोंट्स बताए, उसको यूज करने वाली चीजें बताई, अब वो सब कुछ कर रहा है और बड़ा खुश है क्योंकि उसके डैंड्रफ का इशू जो है वो सॉल्व हो गया है। अब वो कहता है कि जी अब मैं ये चीजें क्यों इस्तेमाल करूं और मैं कब तक ये इस्तेमाल करूं। इसका बहुत सिंपल सा रीजन और आसान सा आंसर है, और वो ये है कि जी आपकी स्किन टाइप तो कोई नहीं चेंज कर सकता, तो आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही चीजों को लेके चलना पड़ेगा। आप ओवर दी काउंटर शैम्पूज यूज करने से बहुत बेहतर है कि आप जो आपकी स्किन, आपके स्कैल्प की स्किन, सर की स्किन के लिए सूटेबल शैम्पूज हैं वो ही यूज करें, क्योंकि वो ही आपको फायदा देंगे। इससे ज्यादा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्किन जो है वो वेल मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको डैंड्रफ जो है वो नजर आ रही होगी और डैंड्रफ आपको तंग करेगी। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर तो मैंने दे दिया है, और ये भी मैंने बता दिया है कि ये क्यों होता है। ये एक टाइप का फंगस होता है जो कि डेफिनेटली उन्हीं स्कैल्प्स पे लगता है जो कि बहुत ज्यादा ऑयली स्कैल्प्स होते हैं, जिनके ऊपर सीबम ज्यादा बनता है। तो आपने यही सब कुछ करना है जो मैंने डूज एंड डोंट्स बताए हैं, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको एग्जामिन करके, एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंगली चीजें देगा। अब आ जाता है कि आप घर में डिफरेंट चीजें यूज करते रहते हैं और फिर आप कहते हैं कि जी मेरी डैंड्रफ तो ठीक नहीं हो रही है, मैंने शैम्पू भी चेंज कर लिया है, मैंने ये भी कर लिया। तो उसमें फिर ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट पील्स अवेलेबल होते हैं, जैसे सैलिसाइलिक एसिड के पील्स वगैरह हैं, वो हम स्कैल्प के ऊपर जो है वो यूज करते हैं, उससे भी डैंड्रफ कंट्रोल होता है। और इसके अलावा जो है वो LED थेरेपीज होती हैं जिससे डैंड्रफ जो है वो कंट्रोल होता है। जब डैंड्रफ कंट्रोल हो जाता है तो हेयर फॉल और हेयर ब्रेकेज ऑटोमेटिकली आपका जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन अगर डैंड्रफ कंट्रोल नहीं होता तो फिर हेयर ब्रेकेज और हेयर फॉल को रोकना या उसको ठीक करना, उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, देखें किस किस ने ज्वाइन किया है। अफशा कामरान ने ज्वाइन किया है, तैयबा कमल 5264 ने ज्वाइन किया, सनोबर खान 2012 ने ज्वाइन किया है, उसके बाद अयास 5964 ने ज्वाइन किया है, सनोबर खान जो है उन्होंने ज्वाइन किया है। अच्छा, अफशा कामरान पूछ रही हैं ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश बताएं डॉक्टर कौन सा यूज करें। अच्छा, एक तो ये कि ग्लाइकोलिक एसिड के फेस वॉशेस जो होते हैं वो हर किसी के लिए नहीं होते, और आप उसको कॉन्टिन्यूस यूज ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होता है। और ये प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स हैं तो ज्यादा बेहतर यही होगा कि आप डॉक्टर को दिखाएंगे और उसके बाद यूज करेंगे। ज्यादातर बाहर की कंपनीज के ही हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, जैसे न्यूस्ट्राटा का ग्लाइकोलिक एसिड का फेस वॉश जो है वो बहुत अच्छा है, वो भी यूज किया जा सकता है। बट ये ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो कि मैं आपको बताऊं स्किन को देखे बगैर और आप ले लें और लगाना शुरू कर दें। रिफ्रेन करें, जब तक कि डॉक्टर से लिखवा नहीं लेते, वो देख नहीं लेता आपकी स्किन, तब तक आप ग्लाइकोलिक एसिड वाले फेस वॉशेस ना यूज करें। नाम क्या है, साइमा पूछ रही है, आई हैव फेयर कॉम्प्लेक्शन बट नाउ आई हैव अनइवन स्किन टोन इशू, आई एम यूजिंग सनस्क्रीन ऑन डेली बेसिस। अच्छा, इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। इसकी ये रीजन भी हो सकती है कि आप सनब्लॉक को रीअप्लाई नहीं करते, आपने सनब्लॉक को सुबह लगाया तो रीअप्लाई भी जरूर करना है। इसके अलावा एक और रीजन ये भी हो सकता है कि आपकी स्किन में स्किन के ऊपर जो स्किन की रेजीम है या स्किन की रूटीन है कि आपने किससे वॉश करना है, आपने किससे मॉइस्चराइज करना है, या आपने नाइट टाइम में कौन सी रूटीन जो है उसको फॉलो करना है, वो आप नहीं कर पा रहे हो या वो सूटेबल नहीं है आपकी स्किन के लिए, तो आपकी स्किन जो है वो इतनी अच्छी नहीं आपको नजर आएगी। तो इन सब चीजों को देखें, इन सब फैक्टर्स को देखें। नूरुल 2293 कह रही माई हेयर लेंथ इज नॉट इंक्रीजिंग। अच्छा यार, हेयर लेंथ के लिए बहुत सारी चीजें हैं, अब मैं वन बाय वन आपको दिखाने लगी हूँ।
सबसे पहले मैं आपको ये वाला शैम्पू दिखा रही हूँ। ये शैम्पू जो है ये एंटी फंगल है और ये आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, आपके सर में जो इचिंग होती है डैंड्रफ की वजह से उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट है तो ज्यादा बेहतर यही होता है कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे तो फिर आप इसको यूज करें। ये मैं आपको शैम्पू दिखा रही हूँ, बहुत सारे शैम्पूज हैं, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट शैम्पूज दिखा रही हूँ। अब ये वाला एक शैम्पू मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बड़ा माइल्ड सा टी ट्री वाला शैम्पू है, जिनकी स्किन के ऊपर, जिनके सर में खुजली रहती है या खारिश होती है डैंड्रफ की वजह से, वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। सर पे ऑयल बहुत ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा आता है, वो भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये आप देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा शैम्पू है एंड दिस इज ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक शैम्पू है, इसके अंदर केमिकल्स जो है वो कम है और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स जो है वो ज्यादा है। ये भी आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं ताकि स्कैल्प जो है वो नॉर्मल रह सके, उस पर बहुत ज्यादा सीबम ना बने, बहुत ज्यादा डैंड्रफ ना बने। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला शैम्पू, जिन लोगों का सीबम ज्यादा बनता है, डैंड्रफ बहुत रहती है, खारिश बहुत होती है, दाने बहुत बनते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये भी आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला शैम्पू, ये जो है ये एंटी हेयर फॉल भी है और उसके साथ साथ एंटी डैंड्रफ भी है। ज्यादातर लोग जिनका स्कैल्प अच्छा नहीं होता, हेल्दी नहीं होता, उनको डैंड्रफ रहती है तो उनका हेयर फॉल भी होता है या बाल अच्छे नहीं होते, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर बायोटिन भी है और एंटी डैंड्रफ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी डले हुए हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो है ये भी इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी ऑर्गेनिक हैं और ये भी आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। जिनके सर में डैंड्रफ होती है, ऑयल ज्यादा बनता है, सीबम ज्यादा बनता है, उनके लिए। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये आप देखेंगे तो इसमें क्या है, इसके अंदर एम्प्यूल्स हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है, बहुत ज़्यादा सीबम बनता है, ऑयली स्कैल्प होती है बहुत ज़्यादा, सर में दाने आते हैं और कंट्रोल करना मुश्किल है उसको, चाहे वो डेली उसको साफ भी रख लेते हैं, जो डूज एंड डोंट्स बताए हैं वो भी सब देख लेते हैं, ये जो एम्प्यूल्स हैं ये आपने ऑयल की तरह इस मेडिसिन को लगाना होता है स्कैल्प पे ऑल्टरनेट डेज पे, या डेली भी पेशेंट डॉक्टर आपको बता सकता है पेशेंट को कि अगर उसको ज़रूरत है तो डेली यूज़ करेगा, नहीं तो ऑल्टरनेट डेज पे आप यूज़ करते हैं और उसके बाद आपने शैम्पू कर लेना होता है। जैसे अगर आपने मॉर्निंग में शैम्पू करना है तो आप एम्प्यूल्स को जो है वो नाइट में यूज़ करेंगे और सुबह उठ के आप वॉश कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला शैम्पू, ये जो है ये भी बहुत अच्छा शैम्पू है, बट ये डबल एक्शन है। डबल एक्शन का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एंटी डैंड्रफ इंग्रेडिएंट्स भी हैं और उसके साथ साथ इसके अंदर जो है वो एंटी हेयर फॉल इंग्रेडिएंट्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाने लगी हूँ, ये एक मास्क है और ये मास्क क्या करता है, ये आपके स्कैल्प में जो सीबम है उसको रेगुलेट करने के लिए। इसको लगाने का तरीका क्या है, आप इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप इसको शैम्पू करें और शैम्पू करने के बाद आप अपने स्कैल्प में इसको लगाएं और इसको 5-6 मिनट्स के लिए छोड़ दें और उसके बाद फिर रिंस ऑफ करके अपना कंडीशनर यूज कर लें, और या फिर आप इसको शैम्पू करने से एक घंटा पहले भी लगा सकते हैं, ऑयल की तरह आपने स्कैल्प में लगाना है और घंटे के बाद आप अपना शैम्पू कर सकते हैं। इसको हफ्ते में एक दफा या अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो दो दफा आप यूज कर सकते हैं। पीलिंग मास्क का मतलब क्या है और इसका मकसद क्या है, इसका ये क्या करता है कि ये जो आपके सेबेशियस ग्लैंड्स हैं उनको रेगुलेट करता है ताकि वो इतना ज्यादा सीबम ना बनाए, जिससे आपकी स्किन जो है वो बेहतर रहना शुरू हो जाएगी, पोर्स क्लॉग नहीं होंगे सर के। प्लस अगर आपने अपने मतलब आप ये देखें कि आप शैम्पू लगाते हैं, कोई मेडिसिन हम देते हैं वो लगाते हैं, कुछ भी है, वो सारे का सारा रेजिड्यू जो है वो हमारी स्किन पे इकट्ठा होता रहता है, कंपाइल हो जाता है, बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। तो हमने जिस तरह फेस की स्किन या फिर हाथों की स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, उसी तरह से एज एन एक्सफोलिएटर स्कैल्प के एक्सफोलिएटर के तौर पे हम इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह का और मास्क आता है जो कि बेसिकली जो है वो हेयर थिकनिंग मास्क है। अभी हमने क्योंकि डैंड्रफ के ऊपर बात कर रही हूँ मैं, तो मैं उसके ऊपर मैंने फोकस नहीं किया, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं और हेयर फॉल या हेयर थिकनिंग या हेयर जो है वो हेयर थिनिंग की क्या कॉजेज हैं और हेयर फॉल है या ब्रेकेज है तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए फिर मैं डिफरेंट एक वो कर लूँगी, ठीक है। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात करेंगे और आई थिंक सो जो टॉपिक रखूंगी मैं वो एक्नी रखूंगी, क्योंकि एक्नी आजकल इस सीजन में ज़रा ज़्यादा भी हो जाती है और पोर्ट लॉगेज बहुत होती है, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स भी ज़्यादा होते हैं, तो हम उसी के ऊपर बात कर लेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।